हरियाणा की राज्यसभा सीटों के लिए मंगलवार को नामांकन भरने का आखिरी दिन है। कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। उनके साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। कांग्रेसी विधायक भी उनके समर्थन में विधानसभा में पहुंचे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई नहीं आए। वहीं दोपहर बाद बीजेपी की ओर से कृष्णलाल पवार ने नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन के समय सीएम मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर भी मौजूद थे, जबकि दोपहर 2:30 बजे कार्तिक शर्मा नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। उन्हें जेजेपी ने समर्थन दिया है। उनके साथ पूर्व मंत्री विनोद शर्मा और बिजली मंत्री रणजीत सिंह भी पहुंचे। विनोद शर्मा हरियाणा जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष हैं। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मुझे जेजेपी का समर्थन है, हम सबका समर्थन मांगेंगे। मेरे प्रस्तावक जेजेपी और निर्दलीय थे, इनेलो और कांग्रेस विधायकों से भी समर्थन मांगेंगे। विनोद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने बाहर का उम्मीदवार उतारा है, हमारा उम्मीदवार हरियाणा का है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 30 विधायकों से भी राज्यसभा सांसद बन सकता है। निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा के नामांकन भरने पर बीजेपी को भी जेजेपी का सहयोग चाहिए, जिनका आजकल झगड़ा चल रहा है। वही हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने कुलदीप के न आने पर कहा कि उनका मत हमारे कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में पड़ेगा। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।